हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताया कि एमबीबीएस एक 4.5 ईयर्स का कोर्स है। इसके अलावा 1 ईयर का इंटर्नशिप भी करना होता है। इस तरीके से 5.5 ईयर्स में ये कोर्स कम्प्लीट हो जाता है। तो इस बीच आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। किस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप नीट एग्ज़ाम दे करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब हम एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तब हमको एमबीबीएस के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। अगर हम बात करें थर्ड से फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सेमेस्टर्स में क्या क्या स्टडी करना होता है, तो इस बीच में आप पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। कौन कौन से होते हैं? कम्युनिटी मेडिसिन, इसके अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पोस्टिंग्स इन वार्ड्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होते हैं थर्ड टू फिफ्थ सेमेस्टर में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की। तो नेक्स्ट में सिक्स टू नाइन्थ मतलब के छठवें सेमेस्टर से लेकर के नौवें सेमेस्टर तक आपको ये सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सब्जेक्ट होते हैं, और ये जो सब्जेक्ट हैं ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये आप स्टडी करते हैं 4.5 इयर्स में यानी कि 9 सेमेस्टर्स में। इसके अलावा 1 ईयर का इंटर्नशिप भी होता है। इस तरीके से 5.5 इयर्स में ये एमबीबीएस का कोर्स फाइनली कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या क्या हम स्टडी करते हैं 4.5 इयर्स में। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो राइट इन्फो क्लब पिटिशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।